नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विजय तिलक, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके साथ, मैं दीपा बाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। दूसरे चरण का प्रचार थमने के बाद आज सियासी दिग्गज आगे के चरणों के लिए प्रचार करने के लिए अलग अलग जिलों में जुटेंगे। सीएम योगी, अखिलेश यादव समेत असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज तीसरे चरण के लिए एटा, फरुखाबाद और औरैया में जनसभाएं कर प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पांचवें चरण की सीटों के लिए बाराबंकी में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तीसरे चरण के लिए अपना विजय रथ लेकर आज हाथरस, कासगंज और एटा के लिए रवाना होंगे। साथ ही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा आज फिरोजाबाद में संयुक्त जनसभा कर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी बबलू सिंह के लिए वोट की अपील करेंगे। तो तीसरे चरण के लिए आज धुआंधार प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एटा, फरुखाबाद में सीएम योगी चुनावी रैली करने वाले हैं। औरैया में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अलग अलग हिस्सों में आज वो हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर आपके सामने है कि तीसरे फेज के लिए आज धुआंधार प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे। एटा, फरुखाबाद में सीएम योगी रैलियां करेंगे। औरैया में भी उनकी एक जनसभा होनी है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे जिनको संबोधित करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। दूसरे फेज के लिए प्रचार प्रसार का शोर कल शाम 6 बजे थम गया। उसके बाद अब चुनौती है तीसरे फेज की और बचे हुए आगे के चरणों की। और तीसरे फेज के लिए किस तरीके से प्रचार अभियान आगे बढ़ रहा है वो लगातार खबरें हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए आज तमाम अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के तीसरे फेज में जहां जहां इलेक्शन होने हैं वहां वहां तमाम सियासी दिग्गज दिखाई देंगे। फरुखाबाद से हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं। शैलेश, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि दूसरे फेज के लिए प्रचार का शोर कल थमा, अब जोर जो है वो तीसरे फेज को लेकर है। आज सीएम योगी भी अलग अलग हिस्सों में जाकर के रैली करने वाले हैं, वहां पर भी पहुंचेंगे, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज तीन कार्यक्रम है मुख्यमंत्री की अगर बात करें, और 12 बजे से उनका जो पहला कार्यक्रम है वो एटा में होगा। एटा में एक कार्यक्रम लगाया गया मुख्यमंत्री का, इसके बाद में 1:10 पर मुख्यमंत्री जो है वो फरुखाबाद पहुंचेंगे और फरुखाबाद में उनकी दो जनसभाएं जो हैं अलग अलग विधानसभा में लगाई गई हैं। फरुखाबाद में देखिए 4 विधानसभा सीटें आती हैं, तो दोनों जगह जो सभाएं हैं वहाँ पर भाजपा के जो दो दो प्रत्याशी, यानी दो विधानसभा के प्रत्याशी एक कार्यक्रम में और दो विधानसभा के प्रत्याशी एक कार्यक्रम में नजर आएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का औरैया दौरा है, वहाँ पर भी उनके दो कार्यक्रम होंगे, दो वहाँ पर सभाएं होंगी। अगर आज की बात करते हैं, देखिए दूसरे चरण का जो प्रचार है वो खत्म हो चुका है। जनता बहुत सारी हमारे साथ मौजूद है, इन लोगों से बात करते हैं। चाहे चुनाव देखिए, चाहे दूसरा चरण हो, तीसरा, चौथा, मुद्दे जो हैं वो लगभग मिलते जुलते हम देख पा रहे हैं। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो अपना वोट करने वाले हैं। कि नेता तो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी दलों के राष्ट्रीय नेता, सभी लोग जो हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जुटे हैं, लेकिन जनता जनार्दन क्या सोचती है इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? इदरीस है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो मुद्दा इस बार क्या होगा जिसके ऊपर आप वोट देंगे? सबसे बड़ी समस्या कहें या सबसे बड़ी अच्छा काम? आवारा पशु, आवारा पशु सोने नहीं दे रहे, रात भर आदमी, किसान आदमी जाग जाग के काट रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत। आपका तो हम देख रहे पीछे दुकान है, आप तो दुकानदार, दुकान रात में आवारा पशु रखाते हैं। तो फिर सोते कब है? कोई टाइम नहीं सोने, घंटा दो घंटा मुश्किल से बस। तो उसके लिए कुछ हुआ नहीं क्या? कुछ नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं। आपका नाम? शुएब। क्या करते हैं? ये पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, तो ये तो वोट डालने जाओगे? यस यस। क्या मुद्दा होगा जिसको लेकर वोट डालोगे अपना, किसी को भी? विकास मुद्दा। हुआ है या चाहते हो? चाहते हैं। हुआ नहीं लगता? नहीं नहीं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पिछले 40 सालों में सबसे निचला स्तर बेरोजगारी का है। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो और जो आवारा पशु हैं उसका निवारण हो, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पर दिन में दुकान चलाते हैं, ज़्यादातर कृषि से लोग जुड़े हुए हैं और रात में जाके पशु रखाते हैं सर। तो कुछ और लोग भी यहाँ आइएगा आगे। क्या नाम? आबिर नाम है। क्या करते हैं? हमारा चाय का होटल है। ये बताओ क्या सोचकर अपना वोट डालोगे? हम विकास चाहते हैं। है नहीं क्या? विकास हुआ ही नहीं इस बार।
ददरौल में विकास ही नहीं है और विकास नहीं बस भाई। तो किस तरह का विकास चाहते हो, क्या चीज़ें? अभी विकास चाहते हैं, मतलब विकास में क्या चाहिए? विकास चाहिए इसमें, मतलब आवारा पशुओं से हम छुटकारा पा सकें और मतलब जो है महंगाई थोड़ी कम हो ताकि लोग अपना कारोबार संभाल सकें। तो यहाँ पर आप देखिए, सुना हमने लोगों को और कहीं ना कहीं जो हम जगह जगह गए वहाँ पर हमने देखा जिस तरह से जो निराश्रित पशु की जब हम बात करते हैं, सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की बात करते हैं, तो एक बड़ा मुद्दा जो था वो यहाँ पर भी देखने को मिला है। क्योंकि हम देखिए जिस जगह पर मौजूद है ये ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में जो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या अब तक जो हमने पूरे प्रदेश में देखी है वो यही निकल कर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस समस्या के बाद जो वोटर है वो किस तरफ जाता है। देखिए यहाँ पर तमाम और लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, युवा भी हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज। हफीज साहब, आप बताएं कि क्या मुद्दा ध्यान में रखकर वोट डालोगे? इन लोगों ने कहा कि जो निराश्रित पशु है उनकी बात की, विकास की बात की। विकास की जब बात करते हैं, विकास तो बहुत बड़ी चीज है, सड़कें भी, जनता जनता के मुद्दे तो हमने समझ लिए। आज मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। शैलेश हमारे साथ बने हुए, आगे भी उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया है अपने दौरे को लेकर आपको दिखा देते हैं। देखिए उन्होंने लिखा कि प्राचीन मानव सभ्यता के विकास भूमि महाभारत युगीन स्मृतियों को संजोए महान संत बाबा नीम करोरी महाराज की तपोस्थली तथा मां गंगा के तट पर बसे जनपद फरुखाबाद में आज मैं उपस्थित रहूंगा। फरुखाबाद वासियों से संवाद के लिए मैं अत्यंत उत्साहित हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार में निर्धनों के आवास का स्वप्न साकार हुआ है। पक्के घर की चाबी ने उनके जीवन में प्रगति का नव प्रभात लाने का कार्य किया है। फरुखाबाद में पीएमवाई व मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 16,741 गरीबों को आवास प्रदान कर हमारी सरकार अंत्योदय के संकल्प को सिद्ध कर रही है। और शैलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश देखिए, एक तरफ तो जनता का कहना है कि कई मुद्दे हैं जिस पर अब तक काम नहीं हुआ है, लेकिन जब फरुखाबाद का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो उन्होंने तमाम उपलब्धियां गिनवाई हैं और उन्होंने कहा कि अपना घर का सपना पूरा हुआ है। पीएम आवास योजना की बात कर ली जाए, इसके अलावा गरीबों को आवास प्रदान करने में जो सफलता हासिल की है सरकार ने वो उपलब्धि भी मुख्यमंत्री ने रखी है। तो वहां के लोगों का क्या मानना है, जरा उनसे बात कीजिएगा इसको लेकर। देखिए कहीं की भी हम बात करें, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, जहां पर भी प्रचार इस समय चल रहा है, जब भी सरकार की यानी वर्तमान जब भाजपा सरकार की बात करें इनकी तरफ से प्रचार होता है तो उसमें मुख्य मुद्दों के रूप में आता है आवास योजना की बात होती है, शौचालय की बात होती है, बिजली की बात होती है, गैस कनेक्शन की बात होती है, ये इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना जो इलाज के लिए उसकी बात होती है। तो यानी ये वो प्रमुख चीज़ें हैं जिनको कहीं ना कहीं जब सरकार अपने आप को प्रेजेंट कर रही है जनता के सामने अपने काम को तो उसको लेकर ये बात बोल रही है। बात करते हैं इन लोगों से एक बार फिर से और जानते हैं कि ये लोग इन योजनाओं पर क्या कहते हैं। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या नाम है आप? चावेद साहब, ये बताइए कि कहीं पर भी जब भाजपा के लोग प्रचार के लिए आते हैं वो कहते हैं कि हमें आवास दिया, शौचालय दिया, बिजली दी, गैस दिया। गैस का कनेक्शन तो दे दिया है, 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, अब 1,000 रुपए का हो गया है, सिलेंडर बंद करके घर पे रख दिया है, ऐसे सिलेंडर का क्या होगा? आपका नाम? भोलू। आप बताएं भोलू, क्या कहोगे? गैस सिलेंडर, बिजली, आवास, शौचालय, इन चीजों के लिए कहा जाता है कि हमने बहुत दिया है। इन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे ददरौल में, सब ऐसा ही है, सब रातों में जगते हैं, इनको आते ही नहीं है। चलिए ठीक है, चले अब लोगों का गुस्सा भी लाजमी है। वो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और किसानों के अपने अलग अलग मसले हैं। सरकार अपने अलग अलग वादों को भी बता रही है, सफलताओं को भी गिना रही है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, वहां पर लोगों से बातचीत के लिए। अब देखिए ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने, कुछ और ट्वीट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। भारत भूमि के अनेक पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संदर्भों की स्मृति भूमि तथा स्वाधीनता संग्राम के अमर क्रांतिकारियों की तपोस्थली जनपद एटा में मुझे आज आप सभी के बीच रहने का अवसर मिल रहा है। एटा वासियों का सुशासन के प्रति समर्थन नए उत्तर प्रदेश की नींव को मजबूती प्रदान करता है। ये ट्वीट है एटा को लेकर सीएम का। इसके अलावा एक और ट्वीट है, किसानों की समृद्धि और आर्थिक उन्नयन हेतु भाजपा की डबल इंजन की सरकार वचनबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जनपद एटा के 2,87,000 अन्नदाता किसानों के स्वावलंबन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
कृषकों की खुशहाली हेतु हम सतत क्रियाशील हैं। अब किसानों की बात अभी थोड़ी देर पहले हम आपको सुनवा रहे थे, किसानों की बात यहाँ पर सीएम योगी अपने ट्वीट के माध्यम से भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, तीसरे चरण के प्रचार अभियान में जुटे अखिलेश यादव आज 4 जिलों में रैली करेंगे। अखिलेश यादव हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद जाएंगे। अखिलेश यादव चारों जिलों में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। अखिलेश यादव देखिए तीसरे चरण के लिए अब जोर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव आज 4 जिलों में रैली करेंगे, हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद पहुंचेंगे अखिलेश यादव। एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे एक तरफ अखिलेश यादव भी होंगे। तीसरे चरण के प्रचार अभियान में अखिलेश यादव अब जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज 4 जिलों में रैली का कार्यक्रम है अखिलेश यादव का। आपको बताएं कि हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद पहुंचेंगे अखिलेश यादव और पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करते हुए दिखाई देंगे। अब चलेंगे पर हाथरस से और अधिक जानकारियों के साथ नितिन उपाध्याय लगातार बने हुए उन्हीं के पास चलते हैं। नितिन, कितने बजे अखिलेश वहां पर पहुंचेंगे, क्या जानकारी है और जो लोग वहां पर मौजूद है उनसे भी बातचीत कीजिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं, कितना जोश है अखिलेश को अपने बीच में पाने को लेकर, बातचीत कीजिए। देखिए बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण का जो चुनावी शोर है वो कल थम गया है और कल वोटिंग होनी है। ऐसे में जो तमाम जो कहा जाए चुनावी सूरमाओं ने पूरा जोर लगा दिया है थर्ड फेज में हाथरस में वोटिंग होनी है। अखिलेश यादव आज पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनके सबसे पहले वो सिकंदरा राव पहुंचेंगे, उसके बाद उनका कासगंज कार्यक्रम है, एटा और फिरोजाबाद, 4 जिलों का उनका चुनावी कार्यक्रम है। तमाम जो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं या मेरे साथ वो लोग हैं जो अखिलेश यादव से काफ़ी उम्मीदें पाले हुए हैं, जो अनुदेशक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, उन सभी लोगों से बारी बारी बात करेंगे। आज अखिलेश यादव हाथरस की धरती पर हैं, किस तरह से कहना चाहेंगे, 3 विधानसभाएं हैं और एक दौर में बीएसपी का गढ़ रहा, फिर बीजेपी की 3 सीटें निकली, इस बार कैसे देख रहे हैं? इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी हाथरस जनपद से 3 की 3 सीट जीत कर 2022 में 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूर्ण तरीका से, पूर्ण बहुमत से, और बीजेपी इस बार अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। हाथरस, सिकंदरा राव और सादाबाद, 3 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जी कार्यकर्ताओं में उत्साह, उनको लग रहा है कि इस बार हाथरस में इतिहास रचेगा, समाजवादी पार्टी यहाँ खाता खोलेगी, आरएलडी गठबंधन से यहाँ सादाबाद सीट भी है। आप बताइए किस तरह से आप देख रहे हैं, आप लोग भी अखिलेश यादव को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने आपकी बातें नहीं मानी, मांगे नहीं मानी, मानदेय नहीं बढ़ाए, क्या कहना चाहिए? जब राजा कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर उसके शासन में प्रजा दुखी है तो ऐसा राजा किसी काम का नहीं है। शिक्षा मित्रों की 2017 के चुनाव में पेज नंबर 24 पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि शिक्षा मित्रों का जो है न्यायोचित तरीके से 3 माह के अंदर समाधान कराएंगे। ये पेज नंबर 24 पर भाजपा का जो संकल्प पत्र 2017 का, उसमें ये वर्णित है। लेकिन पूरे 5 साल हो गए, पूरे 5 साल में ऐसा हमने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हों, लेकिन पूरे 5 साल में सिवाय आश्वासन के इन्होंने कुछ भी करके नहीं दिया। सितंबर 2015 में बनारस की जनसभा में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक जनसभा में ये कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अखिलेश यादव को से उम्मीदें आपको नजर आ रही हैं क्या कि उनकी सरकार बनेगी तो कुछ भला हो पाएगा? 100% उनकी सरकार बनेगी, ऐसी कोई भी रूप नहीं है जो उनकी सरकार को आने से रोक सके, क्योंकि नौजवान बेरोजगारों के साथ बीजेपी ने जितना भी विश्वासघात किया है उसका जवाब ये हर बूथ। सिकंदरा राव आ रहे हैं अखिलेश यादव, तो आप लोग रहेंगे क्या? हाँ, जाना शायद मुश्किल रहेगा, लेकिन हम यही रहेंगे। देखिए उनके खिलाफ हम रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जब अध्यापक हमारा बिटवीन का अध्यापक रहता है, मन चाहे जब स्कूल बंद कर देते हैं, 24 महीने हो गए स्कूल बंद हुए, मतलब केवल अध्यापक 3 महीने स्कूल गया है, वो अपनी गृहस्थी कैसे चलाएगा? बिल्कुल नितिन, और देखिए ये बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा मित्रों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर ये मुखर भी रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कल कानपुर देहात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, अकबरपुर में पीएम मोदी रैली करने वाले हैं। कल दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की रैली होगी कानपुर देहात में, तीसरे फेज में चुनाव होने हैं और इसीलिए वहां पर पहुंच करके अकबरपुर में पीएम मोदी रैली करेंगे। कल दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है, पीएम की रैली वहां पर होगी कानपुर देहात में। अब देख लीजिए तीसरे चरण में लगातार जोर किस तरीके से है और तीसरे फेज के लिए ही वहां पर माहौल तैयार करने के लिए खुद पहुंच रहे हैं
प्रधानमंत्री मोदी। और वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। यूपी के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएससी के अलावा पोलिंग बूथों पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती रहेगी। दूसरे चरण के लिए कल यानी कि 14 फरवरी को मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 6 बजे तक जारी होगी। इस दौरान हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन की पूरी तैयारी है। यूपी के जिन 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होने हैं, उनमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर शामिल है। तो देखिए, ये तमाम वो जगह जहां पर 14 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, यानी कि कल जहां पर वोटिंग होगी, ये वो जगह है। एक और बड़ी खबर है, यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय कम हो गया है। अब रात 11 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। पहले रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगता था, जो कि अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का वक्त होगा। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है, रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। ये बड़ी जानकारी है। पहले रात 10 बजे वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन अब वक्त को कम कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। ये बड़ी खबर आपके सामने। कोविड के मामले जिस तरीके से अब कम हो रहे हैं, इसी बीच ये बड़ा फैसला भी लिया गया है। यूपी से बड़ी जानकारी है कि नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव यहां पर किया गया है, समय कम हुआ है।